गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कैंची मंदिर एवं आश्रम के निर्माण काल के दौरान अपने प्रवास के मध्य महाराज जी आश्रम क्षेत्र की एक ऊंची सी शिला पर विराजमान हो जाते थे और भक्त लोग शिला के नीचे समतल भूमि पर बैठ जाते। शिला से लगकर अतीश नाम के एक पहाड़ी वृक्ष का सूखा सा ठूट तना खड़ा हुआ था बिना हरियाली के। इस वृक्ष की आयु वैसे ही बहुत कम होती है और यह वृक्ष विशेष तब अपनी आयु भी पूरे कर चुका था। लोगों ने इस भय से कहीं यह ठूट वृक्ष तेज हवा के झोंके के कारण किसी के ऊपर न गिर जाए बाबा जी से कहा कि इसको कटवा दिया जाए, तो बाबा जी बोल उठे, नहीं, इसकी जड़ में जल चढ़ाओ, यह फिर से हरा हो जाएगा। लोग यही सोचते रहे कि वर्ष भर में तो इतनी वर्षा हो ही जाती है, इससे यह हरा भरा न हो पाया। परंतु श्री मां ने महाराज जी की उक्ति का मर्म समझकर पूर्णानंद तिवारी जी की सहायता से उस ठूंठ को गंगा जल से स्नान कराया और उसका आरती पूजन भी किया। कुछ ही दिनों के बाद वृक्ष से शाखाएं फूटने लगी, हरे पत्ते आने लगे और बढ़ते बढ़ते वृक्ष शाखा प्रशाखाओं हरे पत्तों से भरपूर हो गया। आज भी यह वृक्ष अपने जीवनदाता के उस शिला आसन के ऊपर छत रूप में लहराता रहता है अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।